जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जो तीन शेयर में बता रहा हूँ, उन तीन शेयर में जितनी गिरावट आए आप उस पर बाई करते जाइए। अभी के रिसेंट मार्केट में वो तीन शेयर आपको पैसे बना के देगा। लेकिन वो तीन शेयर देखने से पहले हम लोग निफ्टी का एक इंडेक्स देखेंगे, और निफ्टी के इंडेक्स में देख के हमें समझने की ज़रूरत है कि कल एक ज़बरदस्त रिवर्सल था, और इस रिवर्सल का ब्रेकआउट इस पॉइंट से आया। जी हाँ, इस पॉइंट से आया जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अगर मैं आपको सही से दिखा पाऊँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो लेवल था, ये एक डाउन ट्रेंड, ये एक ट्रेंड लाइन आप देख पा रहे हैं। इस ट्रेंड लाइन के पास में ये मार्केट कॉन्सोलिडेट किया, और जो सबसे पहला हाई था, स्विंग हाई, मतलब डाउन ट्रेंड पे भी हाईज तो बन रहे हैं, बट क्या हो रहा है, लोअर हाईज बन रहे हैं। यहाँ पे एक हाई बना, यहाँ पे एक हाई बना, यहाँ पे एक हाई बना, लेकिन कोई भी हाई इस हाई के ऊपर पे जाके क्लोज नहीं हुआ, नीचे ही बना। इसीलिए ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड बना है। लेकिन कल आपको देखने को मिला होगा कि फर्स्ट जो स्विंग थी, वो स्विंग को इसने ब्रेक किया और एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिला। अगर मैं इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम ऊपर करूं, तब आपको समझ में आएगा कि जो ट्रेंड लाइंस बने हुए हैं, उस ट्रेंड लाइंस में कहाँ कहाँ पे सपोर्ट है। निफ्टी अपने सपोर्ट जोन पे ही था। दो सपोर्ट लाइन आपको नज़र आ रही है, दो ट्रेंड लाइन, एक शॉर्ट टर्म पे और एक लॉन्ग टर्म का ट्रेंड लाइन, बहुत पहले का 2020 के आसपास का ये ट्रेंड लाइन है, और ये 2021 का ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जो ट्रेंड बनी है, ये ट्रेंड मुझे लगता है कि कंटिन्यू होनी चाहिए निफ्टी की। और इस ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए आज अगर मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आए, जैसा कि एसजीएक्स निफ्टी 100 भी कर रहा 60 से 70 पॉइंट, तो 60 से 70 पॉइंट इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 16,200 और 16,150 ये लेवल होगा जहाँ पे मार्केट सस्टेन करता दिखेगा। अगर मार्केट 130 120 पे मिल जाए, तो आप सोचिएगा कि अपॉर्चुनिटी होगी, और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिएगा बाइंग साइड पे, चाहे वो स्टॉक बाइंग कीजिए, स्टॉक का फ्यूचर बाई कीजिए, या फिर निफ्टी का फ्यूचर बाई कीजिए। ये अपने रिस्क पे बाई कीजिएगा, ज़्यादा नहीं। 100 पे सपोर्ट है, आप 90 मान के चलिए, 16,100 पे, वहाँ पे आप इसे स्टॉप लॉस मान के आप निफ्टी को लॉन्ग करके भी अच्छे पैसे बना सकते हैं। टारगेट 16,400 मैक्सिमम है, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कॉल राइटर्स खड़े हैं, और 16,400 इज़ अ क्रूशियल लेवल जहाँ पे निफ्टी कंसोलिडेट करता दिख सकता है। इवन यहाँ से करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। बट मैं जो तीन शेयर बता रहा हूँ, इन तीन शेयर में आपको कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। इसका रीज़न मैं बताऊँगा, चलिए तीन शेयर एक एक करके देख लेता हूँ। देखिए, सबसे पहला स्टॉक है हिंडाल्को का। हिंडाल्को में भी सेम कंडीशन हुई है। हिंडाल्को का शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन और लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन दोनों का दोनों ब्रेकआउट है। शॉर्ट टर्म में ये वाली ट्रेंड लाइन थी जो इसे कंसोलिडेट करती हुई नज़र आ रही थी, और ये 15 मिनट के चार्ट में एक लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म का मतलब लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, लॉन्ग टर्म ये नहीं 2 साल 4 सालों के लिए, यहाँ पे ट्रेंड लाइन नहीं है। यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया 15 मिनट पे, जो कि इस ट्रेंड को जो बनाया था, ये दो ही कैंडल, दो ही हाईज ने बनाई थी। तो उस ट्रेंड को हमने क्या किया है, आइडेंटिफाई किया कि इस ट्रेंड के बाद में स्टॉक में एक सस्टेनेबिलिटी देखने को मिला। और मेटल सेक्टर का ही तीनों स्टॉक है, टाटा स्टील, वेदांता और हिंडाल्को, याद रखिएगा, ठीक है। और एक शेयर है जो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा, उसमें भी हमने अपने मेंबर्स को प्रीमियम लर्निंग ग्रुप, जो हमारा मेंबरशिप का 599 का, हमने अपने मेंबर्स को 401 के ऊपर पे हमने कहा था कि देखिएगा स्टॉक पे जो मोमेंटम आएगी वो 401 रुपये के बाद में इसमें मोमेंटम कंटिन्यू हो सकती है। और 401 रुपये का लेवल जैसे ही टूटा है, ये देख लीजिए 401 का लेवल जैसे ही यहाँ पे टूटा है, ये जो ट्रेंड लाइन थी इसके ऊपर पे, उसके बाद में स्टॉक ने रुकावट ही नहीं दर्ज की है, एकदम कंटिन्यू ट्रेड। और 437 रुपये का आज के लिए स्टॉक का इम्पॉर्टेंट अपडेट होगा। मैं इसे पोजिशनली आपको बता रहा हूँ, पोजिशनली इन सभी स्टॉक्स पे 450 रुपये तक की फिर से रैली देखने को मिलेगा। बढ़ते हुए क्रूड ऑयल और चाइना में जो लॉकडाउन्स खुले हैं, इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट मेटल सेक्टर पे पड़ा, और मेटल सेक्टर के बुलिशनेस के वजह से आपको बहुत तेज़ी निफ्टी में भी देखने को मिला।
देखिए बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं कि आपने कहाँ दिया था, आप तो ऐसे ही कह रहे हैं, यूं ही कह रहे हैं। तो देखिए मैंने चार्ट के साथ में ये अपना जो लेवल था वो पोस्ट कर दिया था, आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वही ट्रेंड लाइन है, वही सारी चीज़ें हैं। और हमने कहा भी था कि हिंडाल्को लुकिंग गुड अबव 401 कैंडल क्लोज, जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती है तब तक हम लोग नहीं देखेंगे डेली कैंडल स्टिक चार्ट पे। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे हमारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं जिनको अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते रहते हैं, साथ ही टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे मैं स्टॉक अपडेट करता हूँ। देखिए ट्रेंड रिवर्सल के बारे में हमने बताया था कि निफ्टी की ट्रेंड रिवर्सल हो सकती है 16,030 के ऊपर पे, और ये जो है वो 200 तक जा सकती है इवन इंट्राडे और मंडे नेक्स्ट वीक। और देखिए मंडे को नहीं ट्यूसडे को ये लेवल्स आ चुके हैं और गजब की लेवल आई है, आगे और भी कंटिन्यू हो सकती है। तो ये सारी चीज़ अपडेट पाने के लिए आप हमारा मेंबरशिप एक्सेस कर सकते हैं, 599 का प्लान है, मेंबरशिप है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर है, और ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं। देखिए दूसरा स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें तेज़ी आने से पहले बता रहा हूँ, ठीक है, यही मैं अपने मेंबर्स के साथ में भी शेयर करूँगा, इसे ज़रूर अपडेट देखिएगा। ये बजाज फाइनेंस का स्टॉक है, बजाज फाइनेंस के लॉन्ग टर्म चार्ट पे और लॉन्ग टर्म चार्ट पे जो हमें लेवल्स दिख रहे हैं बजाज फाइनेंस की, वो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, एक ट्रेंड लाइन है जो डेली कैंडलस्टिक चार्ट पे है। जब तक ये कैंडल इसके ऊपर पे क्लोज ना हो तब तक आप इस स्टॉक को बाई नहीं कीजिएगा। ये स्टॉक जब अपना ट्रेंड लाइन क्रॉस करे, यहाँ पे शॉर्ट टर्म पे रैली आ चुकी है, ठीक है, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे पहले आप देख लीजिए मैं इस स्टॉक को क्यों आपके सामने रख रहा हूँ। मैं 5 मिनट के चार्ट पे दिखा सकता हूँ, ये देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बट 15 मिनट पे सस्टेनेबिलिटी बहुत तगड़ी है, देख पा रहे होंगे ये जो ट्रेंड चेंज हुआ है ना, ये ट्रेंड आप इस स्टॉक को यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट के लिए ले जा सकता है, जो कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा 6200 के आसपास में। केल्विन NBFC के लिए एक बड़ी बेहतरीन सेबी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अच्छी मैसेज आई है जो इस सेक्टर को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती है, वो न्यूज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दूंगा। बट बजाज फाइनेंस को जरूर रडार पे रखिएगा, अगर इसमें थोड़ी सी गिरावट आए और गिरावट के बाद में कल का हाई, जी हाँ कल का हाई जो कि है लगभग 5860 रुपये का, वहाँ पे सॉरी 5850 रुपये का, इसको क्रॉस करता है नीचे तो खुलेगा डेफिनेटली, और नीचे खुलने के बाद में इसको क्रॉस करता है ऐसे स्टॉक को कल ही 6000 के टारगेट के लिए, आज ही इस स्टॉक को 6000 के टारगेट के लिए आप देख सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस ने और इधर तीनों मेटल स्टॉक जरूर देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो ट्रेड कीजिए, अदरवाइज स्किप कीजिए, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, ज्वाइन बटन पे भी क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।